हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बाजरे की मठरी, आप इन्हें बाजरे की मठरी भी कह सकते हैं। बाजरा बहुत हेल्दी होता है और यह ग्लूटेन फ्री भी होता है। तो आइए रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बोल लेंगे और इस बोल के अंदर एक कटोरी बाजरे का आटा डालेंगे। बाजरे का आटा डालने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और इसके बाद अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट डालने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। इस अजवाइन को हथेली पर रगड़कर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से रब करके डाला है, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है और अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इन सब चीजों को डालने के बाद अब हम इन्हें अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से यह एक क्रम्बल जैसा हो जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक आटा बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा बना रही हूँ और इसका आटा हार्ड होना चाहिए। इसका आटा सॉफ्ट बनाएंगे तो हमारी मठरियाँ नहीं बन पाएंगी। ये देखिए, अब हमारा डो लगभग प्रिपेयर हो चुका है और अब हम इस डो को 10 मिनट की रेस्टिंग के लिए अलग से साइड में रख देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस डो को वापस से थोड़ा नीट करेंगे और अब हम इसे दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। और अब हम इसे इस तरह से रोल करते हुए इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से इनके पोर्शंस करेंगे आटे के। मैंने सारे आटे के छोटे छोटे इस तरह से पोर्शंस कर लिए हैं और अब हम इन्हें साइड में रख लेंगे और एक फ्लैट सरफेस का यूज करेंगे। इसके लिए मैं चकली का यूज करूंगी और अपने हाथों को सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर एक पेड़ी बनाएंगे और उसे इस तरह से फ्लैट कर देंगे अपने हथेलियों से दबाते हुए। और यह हमारी मठरी तैयार हो गई है और इसके बाद अब हम दूसरी भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसी तरह से मठरियां बना रही हूँ और इसी तरह से मैंने वापस से अपने हाथों को ग्रीस किया है घी से और वापस से इस तरह से रोल करते हुए इसे दबा दिया है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने अपनी सारी मठरियां तैयार कर ली है और अब हम इन्हें एक फॉक की हेल्प से इनमें होल करेंगे। ये देखिए, मठरियां तैयार हैं। अब हम एक फॉक लेंगे और उसकी हेल्प से इसमें होल करेंगे। ये होल हम मठरियों के दोनों साइड करेंगे जिससे ये हमारी मठरियां फूलेंगी नहीं और ये बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनेंगी। इसी तरह से मैंने सारी मठरियों में होल कर लिए हैं। ये देखिए, इसके बाद अब हम इन सारी मठरियों को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने गैस पर तेल गर्म होने रख दिया है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। उसमें हम अपनी मठरियों को धीरे धीरे एक एक करके डालेंगे। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ। स्टार्टिंग में हम इन मठरियों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसे ये मठरियाँ धीरे धीरे पकने लगेंगी
ये अपने आप से ऊपर फ्लोट होने लगेंगी और इन्हें किसी स्पून या स्पैचुला की हेल्प से टर्न कर देंगे। ये देखिए मैं इन्हें टर्न कर रही हूँ। इन मठियों को फ्राई होने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा और इन मठियों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हमारी मठियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन मठियों को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारी गोल्डन क्रिस्पी करारी बाजरे की मठी तैयार है। आप इन मठियों को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं या फिर किसी मेहमान के आने पर बना सकते हैं। आपको मेरी मठियों की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।